नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छोटी मूर्ति बनाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार डॉक्टर अंकुश देवांगन ने इस नवरात्रि पर मां दुर्गा की दुनिया में सबसे छोटी मूर्ति बनाने का दावा किया है। देखिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से हमारे संवाददाता सुनील चौहान की ये खास रिपोर्ट। 24 हाथों वाली शेर पर सवार महिषासुर मर्दिनी की यह नैनाभिराम प्रतिमा मात्र 1 सेंटीमीटर छोटी है, जिसे उंगली के नाखून पर रखकर फोटो लिया गया है। संगमरमर पत्थर को तराश कर बनाए गए इस सूक्ष्मतम कलाकृति में कलाकार ने 2 राक्षस, 1 भैंस, 1 शेर तथा माता के हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को बड़े ही करीने से तराशा है। सूक्ष्म मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार अंकुश को पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड प्राप्त है। इस दुनिया की सबसे छोटी मां दुर्गा की प्रतिमा को बनाकर उन्होंने लोगों से अपील की है कि देश में पीने योग्य जल की निरंतर कमी को देखते हुए मूर्तियों को छोटा ही बनाएं और उसका विसर्जन समुद्र, नदी या तालाबों में ना करें। उन्होंने गाँव और नगर निकायों से भी अपील की है कि वे इन प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अलग से कुंड बनवाएं, तत्पश्चात उसे पाट दें ताकि जल प्रदूषित ना हो। भिलाई के मूर्तिकार अंकुश देवांगन सिर्फ छोटी मूर्तियां ही नहीं बनाते बल्कि बड़े से बड़ी मूर्तियां बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। देश के अनेक शहरों में उनके द्वारा बनाई गई एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ विद्यमान हैं। इस नवरात्रि पर मैंने माँ दुर्गा की दुनिया की सबसे छोटी मूर्ति बनाई है, जो चने के दाने के बराबर होगी, मात्र 5 मिलीमीटर छोटी। इस छोटी सी प्रतिमा को मैंने संगमरमर पत्थर को तराश कर ऑल पिन, निडिल, ब्लेड ऐसे घरेलू औजार से मैं पहले उसको पत्थर को पूरा उत्कीर्ण कर लेता हूँ, एक एक शेप ले आता हूँ, फिर उसके बाद उसमें कलर भी करता हूँ। कलर के लिए मैं गिलहरी के 2-4 बाल का ही उपयोग करता हूँ। गिलहरी के बाल काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसा करके इतनी छोटी प्रतिमा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में माँ दुर्गा की कहीं नहीं है, और उसमें उसके चारों हाथ शेर और महिषासुर का वध करता हुआ पूर्ण प्रतिमा है। मैं न सिर्फ छोटी मूर्तियाँ बनाता हूँ बल्कि बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ बनाने का भी रिकॉर्ड मेरे नाम पर है। छोटी मूर्तियों को जहाँ लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है, वहीं बड़ी मूर्तियों को और म्यूरल को गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी अवार्ड मिला है। दल्ली राजरा में बना हुआ एक लोहे का मूर्ति है जो वेल्डिंग करके हमने बनाया है, वो 6 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है, 64 फीट हाइट है उसका। ऐसे ही भिलाई के चौक चौराहों में सिविक सेंटर में जो कृष्ण अर्जुन कर रहा था आप देखेंगे, पंथी चौक, रुआ बांधा, श्रमवीर चौक सेक्टर 1, बोरिया चौक में PM ट्रॉफी, भिलाई निवास में नटराज की प्रतिमा, इस तरह से न सिर्फ भिलाई, रायपुर बल्कि देश के अनेक शहरों में मेरे द्वारा बनाई हुई मूर्तियां, बड़ी बड़ी मूर्तियां विद्यमान हैं। और मेरा सौभाग्य है कि जहां जहां भी मैंने कलाकृतियां बनाई हैं, कालांतर में वो सभी स्थान पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है और मैं इसके लिए भगवान को धन्यवाद देता हूँ।